गए अपने अशरफ उस्ताद। देखो क्या मुस्कुरा रहा है बंदा, चमक कर आया है बंदा। फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट देख के फिर उसके बाद गाड़ी लेंगे ये लोग। मोस्ट वेलकम जनाब, ऊपर आइए, आपका इंतजार कर रहा है रस्सा। त्रिपाल डालना और रस्सा खींचना, जो बंदा ऊपर रहता है सबसे ज्यादा उसको डेंजरस रहता है, तो इसलिए भाई। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FTC व्लॉग। तो जा रहे हैं हम गाड़ी लोड करने, कहाँ का है वो अभी नहीं बता रहे हम आपको। तो चले करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, कॉल स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी का सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी में क्योंकि लेट हो रहे हैं। है महाराष्ट्र का है कहाँ का ये नहीं बता रहे हम लोग। तो चले करते हैं अपना काम स्टार्ट, गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाड़ी का, उस दिन हमने खोल के सामान रखा था वैसे का वैसा खलारा पड़ा हुआ है। तो अशरफ वाली आ गए हैं, बस वो संभाल लेंगे, हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं फैक्ट्री में गाड़ी लोड करने के लिए। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी कर ली है स्टार्ट, तो अभी सीट तो सेट करने पड़ेगी क्योंकि ये तो अशरफ करा नहीं, करेगा नहीं आके। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, अब हम गाड़ी का जितना भी सामान उतारा हुआ सारा रखेंगे गाड़ी में, फिर मिलते हैं आपसे। क्योंकि गाड़ी के जितने कपड़े कुपड़े सारे धुल साफ करके रखे थे वॉश करके। अपनी स्विफ्ट को कर देते हैं अंदर पोर्च में, अब एक महीने के बाद इसको मिलेंगे दोबारा। महीना या 10-15 दिन जितने भी लगेंगे मिलेंगे फिर इसको, क्योंकि धूप में रहेगी बेचारी का रंग काला हो जाएगा मेरी तरह। तो इसको करते हैं अंदर सेफ, इतनी देर में गाड़ी का प्रेशर वगैरह बन जाएगा। तो घर से निकला है हम लोग, अब कर रहे हैं जाएंगे बड़ी ब्रह्मणा फैक्ट्री में, वहाँ से करेंगे माल लोड, फिर आगे से अशरफ को भी पिकअप करना है कमरे से। रूम में रुका हुआ है वो, मतलब रफीक अपने मामा के घर में रुका हुआ है, तो वहाँ से उसको पिकअप करेंगे, लेंगे उसको साथ में। तो क्योंकि अकेले के बस का काम तो है नहीं है, वो कल का आ चुका था, तो मैंने बोला था रुको उधर ही, आज इंशाल्लाह कहीं ना कहीं का माल हो जाएगा तो निकल पड़ेंगे। तो रब की मेहर से हमें माल मिल चुका है और हम निकल चुके हैं। आगे अपने अशरफ उस्ताद, देखो क्या मुस्कुरा रहा है बंदा, चमक कर आया है बंदा। देखो जी बंदे की तरफ देखो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जाई, ठीक हो? बड़ा खुश लग रहा है भाई, हैं? ये तेरे लिए काम रखा मैंने सारा, अभी मैंने बोला कि तेरे लिए काम भी रहना चाहिए ना कोई ना कोई। तो चले भाई आगे हमारे अशरफ उस्ताद, सुनाबर कैसा तेरा काका? ठीक है ना। वो पार्टी कहाँ? पार्टी जब मर्जी, बंदा देखो कितना खुश है भाई। चलो ये चलते हैं फैक्ट्री में, पहुंच चुके हैं भाई हम लोग बड़ी ब्रह्मणा फैक्ट्री एरिया में, और यहाँ फर्स्ट करवाएंगे कांटा गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी लेंगे फैक्ट्री में, वहाँ एंट्री वगैरह करवाएंगे, उसके बाद जाकर अपना काम लोडिंग का देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं। तो चले मिलते हैं आपसे। पहुंच चुके हैं भाई हम लोग फैक्ट्री में, यहाँ पे करवाएंगे एंट्री फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट देख के, फिर उसके बाद गाड़ी लेंगे ये लोग अंदर। तो चलो करवाते हैं डॉक्यूमेंट एंट्री। तो भाई एंट्री वगैरह हमारी हो चुकी है, और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो हम बताने वाले नहीं हैं, जा रहे हैं महाराष्ट्र है पर ये नहीं बताएंगे कि कौन सा स्टेशन है। तो अशरफ अली ने आके अपनी कमांड संभाल ली है, सीट वगैरह को कवर चढ़ा रहा है। तो चले करते हैं अपना काम, तो मिलते हैं फिर आपसे। और अशरफ अली कर रहे हैं अपना जो उसका काम है, तो सरस्वती फैक्ट्री से मेडिसिन लोड कर रहे हैं इतना बता सकते हैं, और हमें जो रेट है वो लगा है 80,000 रुपया, बस इतना बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। जा रहे हैं भाई अभी घर को, तो अशरफ अली कर लेंगे लोड, जब लोड हो जाएगा वहाँ आ जाएंगे। पैदल चल रहा हूँ भाई, इश्तियाक को बोला था लेने आने को, शायद आ गए हैं आगे, तो
बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे, जाएंगे वापस घर को, अशरफ अली लोड करवा लेगा गाड़ी, फिर उसके बाद हम भी निकलेंगे अपना सामान वगैरह लेके। चलो मिलते हैं आपसे, जा रहे हैं गाड़ी को दस्तर करवा करने के लिए, गाड़ी लोड होती है। ये दुख सुख का साथी मेरे साथ एक ही है, वो है अल्ताफ भाई। कुछ नहीं है, ड्रॉप पे बोल रही मुँह पे बेचती। चलो जा रहे हैं गाड़ी के पास, अभी अशरफ अली फ़ोन कर रहा है कि आ जाओ गाड़ी लोड हो रही है। पहुंच गए भाई हम लोग अपनी गाड़ी के पास, लोड हो चुकी है, कांटा करवा रहे हैं। तो अभी कांटा करवाने के बाद करेंगे पूरी गाड़ी को तरपाल, रखना जाला करना है पहले, फिर उसके बाद तरपाल डालेंगे, फिर निकल पड़ेंगे। तो चलो कांटा करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी हमारा टाइम आ गया है रस्सा तरपाल करने का, तो चलो करते हैं जाला, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। जाला हमारा भाई हो गया है, तो अभी लगी है प्यास, बहुत ज़्यादा गर्मी है फैक्ट्री के अंदर, इसलिए पानी पीने जा रहे हैं, पानी पीने के बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, फिर भी सबसे डेंजरस जगह ये जाले पे त्रिपाल डालना और रस्सा खींचना, जो बंदा ऊपर रहता है सबसे ज़्यादा उसको डेंजरस रहता है, तो इसलिए भाई बहुत ही हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अशरफ अभी तो मज़े से जा रहा है, अब जब त्रिपाल डालेंगे उसके बाद देखना इसका क्या हिसाब होने वाला है। तो चले, सांस फूल गई है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा। ये एक बंदे का काम नहीं है, इसीलिए स्पेशल मैं और अल्ताफ दोनों घर से आए हैं, तो करवा रही है यहाँ पर काम। तो चलो मिलते हैं आप। थोड़े और बस बस त्रिपाल बिछा दिया भाई हमने, यहाँ का डेंजरस काम है ये। तो अब एक बंदा रहेगा ऊपर, हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है, एक बंदा ऊपर रहेगा, दूसरा बंदा नीचे रहेगा। तो मैं तो ऊपर रहने वाला नहीं हूँ, ऊपर रखूँगा अशरफ को, खुद नीचे चले जाऊँगा, नीचे से रस्सा खींचूँगा, मेरे बस का काम नहीं है भाई ऊपर घूमना। घूम तो लेते हैं, बहुत घूमे हैं, तो चलो अब जा रहे हैं हम लोग नीचे। अशरफ अली मोस्ट वेलकम जनाब, ऊपर आइए, आपका इंतज़ार कर रहा है रस्सा। त्रिपाल हमने डाल लिया, सांस पूरा फूल चुका है, तो एक साइड से मतलब सिर्फ डाला मांगना है, उनकी लेबर आने वाली है अंदर, फिर उसके बाद बोलते हैं टाइम लेट हो जाएंगे आप, इसलिए हम गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर, सीधा अपने पार्किंग में जाके पूरा फुल एंड फाइनल करेंगे, चाहे कल करेंगे जैसे भी करेंगे, पर अभी बस अभी निकलना रहेगा गाड़ी बाहर। तो
मिल मिल गए, अभी बिल्टी का वेट कर रहे हैं। आ गया बंदा, आगे गाड़ी लगाएंगे साइड पे, वहाँ से बिल्टी वगैरह लेंगे, फिर जाएंगे टाइम से। पार्किंग में खड़ी की है, और मैं और अल्ताफ अभी आए हैं फास्ट फूड खाने के लिए। यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे जाते हैं जब भी आते हैं। तो अभी आज का ब्लॉग करेंगे हम यहीं पे एंड, मिलेंगे कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप सबको करते हैं गुड नाइट। तो और कुछ बोला जाते हो? एक ट्रिप हो रही है हमारी, अल्ताफ चौधरी 0063 चले आ रहे हैं महाराष्ट्र वालों, महाराष्ट्र में मिलते हैं आपको आके। और कुछ ज़्यादा नहीं तो ये नहीं बताएंगे कहाँ आ रहे हैं, पर महाराष्ट्र आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको महाराष्ट्र।